प्रधानमंत्री जी ने अभी एक 17 मिनट का राष्ट्र के नाम संदेश दिया और जिस तरह का बिल्डअप था, जिस तरह की बातें हो रही थी, जिस तरह से हर मंत्री इसको प्रमोट कर रहा था और प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से हुआ था कि वो आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे, आज बहुत सारी उम्मीदें थी प्रधानमंत्री से। पर बड़े ही दुख और क्षोभ के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने फिर से सारी उम्मीदों को धराशायी कर दिया और सब पर पानी फेर दिया। आज हमारी उम्मीद थी कि वो कोरोना के संकट के खिलाफ एक बड़ा निर्णायक कदम लेंगे। हमें ऐसा लगता था कि कोरोना के चलते जो अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है, जो आर्थिक मंदी है, उसके खिलाफ एक बड़ा निर्णायक कदम लेंगे। हमारी उम्मीद थी कि वो जो करोड़ों लोग जिनकी नौकरी चली गई, जो आज बेरोजगार हैं, पहले कोरोना की महामारी के चलते, फिर जो लॉकडाउन के चलते आर्थिक अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई, उसके चलते जिनकी नौकरियां गई, उनके लिए कोई बड़ा कदम लेंगे। हमें ऐसा लगता था कि बहुत सारे लोग जो अभी किसी तरह से अपनी नौकरी बचाए हुए हैं लेकिन जिनका वेतन खटखट गया है, उनके बारे में बात करेंगे कि कैसे उनका वेतन अब उनको पूरा मिलने लगे। हमें उम्मीद थी कि वो राहत पहुंचाएंगे उन श्रमिकों को जो जान जोखिम में डाल के मीलों पैदल चल के अपने घर पहुंचे, आज बेरोजगार है, उनके पास कुछ करने को नहीं है, एक निर्णायक कदम लेंगे। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी अपना अहंकार त्याग कर और कहीं ना कहीं राष्ट्र हित को और राजधर्म निभाते हुए हमारी, कांग्रेस की, सोनिया जी की, राहुल जी की बात मानेंगे और 7500 रुपए का जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की हमने बात करी है उसको अनाउंस करेंगे प्रतिमा के लिए और लोगों की गंभीर तकलीफों को दूर करेंगे। और हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि आज प्रधानमंत्री जी जब राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे थे, 100 दिन में पहली बार जब वो राष्ट्र से रूबरू हो रहे थे, तो वो आंख में आंख डालकर हमारे दुश्मन चीन से बात करेंगे, मजबूती का संदेश देंगे। हमें उम्मीद थी कि वो अपने अंदर बसे हुए पता नहीं किस चीन के खौफ या डर को निकाल फेंकेंगे और एक जिसको विश्वगुरु कहा जाता है भारत का, उसका परिचय देंगे और डंके की चोट पर चीन से बात करेंगे। लेकिन खेद है कि खोदा पहाड़ और निकली चूड़िया। प्रधानमंत्री जी ने एक योजना जो चल रही है उसके मियर एक्सटेंशन की बात करी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है, लेकिन उसके पहले मैं कुछ कहना चाहती हूं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी बातचीत शुरू करते वक्त कहा कि आज हम अच्छी स्थिति में हैं, स्थिति कंट्रोल में है। वो कौन से आंकड़े देखकर ये कह रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि हर आंकड़ा ये दिखाता है कि स्थिति अत्यंत गंभीर है कोरोना को लेकर के। आज हमारे देश में 5,67,000 कोरोना के मामले हैं, हम पूरी दुनिया में 4th नंबर पर हैं, हम जून के महीने में पूरे विश्व में कोरोना फैलने की सबसे तेज दर भारत में रही है, प्रतिदिन करीब 20,000 मामले सामने आ रहे हैं और जो टेस्ट पॉजिटिव रेट होता है, आप कितने लोगों को टेस्ट कर रहे हैं उसमें कितने से कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, वो पहले 4% था, फिर 5 हुआ 7-8 हुआ, अब वो 11.4% है, नियरली 11.5% हमारा टेस्ट पॉजिटिव रेट है। और ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा टेस्टिंग के कारण हो रहा है, क्योंकि अभी भी 5 सबसे ऊंचे देशों में जिनमें कोरोना के मामले हैं हम सबसे कम टेस्टिंग कर रहे हैं। पर मिलियन पे हमारी टेस्टिंग अभी भी 4 डिजिट की है, ब्राजील 5 डिजिट की टेस्टिंग कर रहा है पर मिलियन पे, यूके, यूएस, रशिया वगैरह तो 6-6 डिजिट की टेस्टिंग कर रहे हैं पर मिलियन पे। खैर, मैं बात करती हूं आज के, तो पता नहीं प्रधानमंत्री जी किस आंकड़े को देख के कह रहे हैं कि सिचुएशन ठीक है, सिचुएशन अत्यंत गंभीर है और जब तक वो इस गंभीरता को गंभीरता से नहीं लेंगे तब तक कोई निवारण होने का नहीं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने 17 मिनट का एक भाषण दिया और 17 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसको नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। मैं आप सब पत्रकार बंधुओं को ये याद दिलाना चाहती हूं कि ये चिट्ठी तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने पहले ही प्रधानमंत्री जी को लिखी थी, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से कांग्रेस के तमामों नेताओं ने, राहुल जी ने, सबने कहा था कि इसको आप सितंबर तक के लिए बढ़ा दीजिए। सोनिया जी ने अपने पत्र में लिखकर यह बोला है कि ये जो अन्न की स्कीम है इसको सितंबर तक बढ़ा दिया जाए। खैर, प्रधानमंत्री जी ने आए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था स्कीम को बढ़ाना, उसके बारे में उन्होंने बोला और वहीं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इतना पैसा लगेगा, ये लगेगा, ये अनाज आपके गोडाउनों में भरा हुआ है, FCI के गोडाउन लबालब है अनाज से, हमारे किसानों की मेहनत और उनके श्रम का नतीजा है कि अन्न की कोई कमी नहीं है देश में। लेकिन दो चीजें साफ होती हैं प्रधानमंत्री के वक्तव्य से। एक, उन्होंने आज देश को बता दिया है कि इस महामारी, इस आर्थिक मंदी का प्रभाव अभी लंबा चलना है, नवंबर तक तो उन्होंने एडमिट कर लिया है, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि नवंबर तक तो दिक्कतें रहने वाली हैं। और दूसरा, उन्होंने आज देश के सामने ये भी खुलासा कर दिया कि उनके दिमाग में बिहार चुनाव के अलावा कुछ रहने वाला नहीं,
छठ हम सब लोग मनाते हैं, बिहार की बातें होनी भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से बार बार बिहार का रेफरेंस कर रहे थे उनके दिमाग में बिहार का चुनाव है, तो ये बड़े दो इन्फ्लुएंस है। खैर, इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी से कुछ तो सवाल पूछे ही जाएंगे कि आप इस अन्न योजना का आपने विस्तार कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन क्या सिर्फ अन्न खा के, सिर्फ सूखा गेहूं से बना आटा खा के या चावल खाकर आदमी जी जाएगा एक किलो चने की दाल लेकर? अगर उसको सब्जियां चाहिए, दूध चाहिए, फल चाहिए, दवाइयां चाहिए, तरह तरह की चीजें चाहिए होती है। और इसीलिए बार बार हमारा कहना है कि आपको 7500 रुपए लोगों के अकाउंट में डालने ही पड़ेंगे हर महीने, तभी उनकी स्थिति सुधरेगी, अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आएगी। आप जब तक इस सच से भागते रहिएगा तब तक किसी समस्या का कोई समाधान नहीं होना। मैं अंत में आप पत्रकार बंधुओं के साथ एक छोटा सा डेटा शेयर कर रही हूं और वो हम AICC से शेयर भी करेंगे आपके साथ। कोरोना की महामारी आने के बाद विश्व बैंक से भारत ने $2 बिलियन का लोन लिया है। ADB से भी लोन लिया गया $1 बिलियन का। IMF से $4 बिलियन का जो लोन है वो पाइपलाइन में है, वो प्रोसेस में है, वो भी आ जाएगा। पीएम केयर फंड में लगभग 20,000-30,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो चुका है। तो कुछ तो सवाल उठते ही है कि भाई इस धन का उपयोग कहां किया जा रहा है? राज्यों को वित्तीय राहत क्यों नहीं दी जा रही है? गरीबों को नगद पैसा क्यों नहीं ट्रांसफर किया जा रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री, उनकी सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में है कि सब चंगा सी, ऑल इज वेल। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तकलीफें बहुत हैं। और प्रधानमंत्री जी के आज के वक्तव्य से जिस तरह का मैसिव बिल्डअप था, ये क्लियर हो गया है कि उनके दिमाग में, उनकी पार्टी के लिए, उनके सरकार के लिए सुर्खियां, हेडलाइन खोजना एक बड़ी प्राथमिकता है। देश में जो हो रहा है, हमारे बॉर्डर पर जो हो रहा है, गरीबों के साथ जो हो रहा है, उसके बारे में ना वो स्वीकारेंगे, ना साहस जुटाएंगे कि खुलकर बात कर पाए।